नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। स्पेशल रिपोर्ट पे आज हम बात करेंगे देश की कुछ खास खबरों पर, तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। प्रदूषण की मार से बेहाल दिल्ली की जनता को राहत देने को लेकर केजरीवाल सरकार चौकन्ना हो गई है। प्रदूषण से निपटने के केजरीवाल सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। बता दें कि सोमवार को केजरीवाल सरकार की आपात बैठक हुई, जिसमें दिल्ली में एक हफ्ते के लिए ऑड इवन लागू करने का फैसला किया गया। वहीं सरकार ने कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदूषण से निपटने के केजरीवाल सरकार के प्रयास। प्रदूषण की मार, केजरीवाल सरकार चौकन्ना। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए ऑड इवन लागू। केजरीवाल सरकार ने कंस्ट्रक्शन पर लगाई रोक। 10 नवंबर तक स्कूल बंद, AQI 450 के पार। WHO की पॉल्यूशन की लिमिट से 20 गुना ज्यादा। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार चौकसी की मुद्रा में आ चुकी है। केजरीवाल सरकार ने राजधानी में एक बार फिर ऑड इवन लागू करने का फैसला किया है। ये ऑड इवन 13 से 20 नवंबर यानी एक हफ्ते के लिए लागू रहेगा। बता दें कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्रिटिकल यानी कि सबसे खतरनाक स्थिति में है। सोमवार को दिल्ली में एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पॉल्यूशन की लिमिट से 20 गुना ज्यादा है। बता दें कि WHO के मुताबिक 0 से 50 के बीच के AQI को सुरक्षित माना गया है। खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स से अलग अलग तरह के कैंसर होने का खतरा रहता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि वायु प्रदूषण रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के साथ ही हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक को बढ़ावा देता है। वहीं खराब एयर क्वालिटी को लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जहरीली हवा को लेकर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने दिल्ली NCR की राज्य सरकारों को सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50% कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने की अपील की है। बाकी 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की सलाह दी है। 31 अक्टूबर को 359 हुआ, 1 नवंबर को 364 हुआ, 2 नवंबर को 392 हुआ, 3 नवंबर को 468 हुआ, 4 नवंबर को 415 था, फिर 5 नवंबर को बढ़कर के 454 हुआ और आज ये पुनः उसमें सुधार दर्ज किया गया है और ये 468 तक जो चला गया था वो अब कम होकर के 436 रहा है। सावधानी के तौर पर दिल्ली सरकार ने 5वीं तक के स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद करने का आदेश दिया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सभी स्कूल 6ठी से 12वीं तक की क्लास ऑनलाइन कर सकते हैं। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित यूपी और हरियाणा के प्रदूषण की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली में जनरेटर सेट नहीं है, यहां उससे धुआं नहीं फैलता, लेकिन यूपी हरियाणा में इस पर रोक नहीं लगाई गई है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि पड़ोसी राज्यों से पराली का धुआं दिल्ली की हवा को खराब कर रहा है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदूषण की कोई सीमा नहीं होती। पंजाब की खराब हवा हरियाणा में भी प्रदूषण फैला रही है। शनिवार को भी उन्होंने भगवंत मान सरकार पर हरियाणा में प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया था। बहरहाल बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में GRAP का 4था स्टेज लागू कर दिया गया है। इसके तहत कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर रोक लग गई है। सब्जी, फल, दवा जैसे जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाले CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक महत्वपूर्ण फैसला और लिया गया है कि अगर जो चूंकि ये संभावना दिख रही है कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है, उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। ये 13 दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से शुरू होगा और 20 तारीख तक वो चलेगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। ये जो ऑड इवन लागू होगा, वैसे दिल्ली में पहले लागू हुआ है, लोगों को पता है, लेकिन ऑड इवन के दौरान ऑड वाले दिन 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर लास्ट जो नंबर होते हैं गाड़ी के, उसमें जिसके लास्ट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है,
13579 ये ऑड वाले दिन गाड़ियां चलेंगी और उसके साथ साथ इवन वाले दिन 02468 लास्ट डिजिट के नंबर की गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी। तो ये एक बड़ा फैसला आज की बैठक में हुआ है। किसी जगह पर GRAPIV तब लगाया जाता है जब वहां पर AQI लास्ट स्टेज यानी कि 450 से 500 के बीच पहुंच जाता है। दिल्ली में GRAPIV लागू होने के साथ ही GRAP फर्स्ट सेकंड और थर्ड के नियम भी लागू रहेंगे। इसके तहत गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन वर्क, PS3 कैटेगरी वाले पेट्रोल और PS4 कैटेगरी वाले डीजल चार पहिया वाहनों पर बैन लगाया जाता है। बता दें कि दिल्ली NCR में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच IIT कानपुर ने इस समस्या से निपटने के लिए एक समाधान निकाला है। IIT कानपुर ने दिल्ली और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक संभावित समाधान बताया। संस्थान ने कहा कि उससे हवा में प्रदूषकों और धूल को साफ करने में क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश के उपयोग का प्रस्ताव दिया है। IIT कानपुर कृत्रिम बारिश के लिए जरूरी दरअसल परिस्थितियों बनाने पर 5 साल से ज्यादा समय से काम कर रहा है और जुलाई में सफल परीक्षण भी किया है। बता दें कि शोधकर्ताओं ने क्लाउड सीडिंग के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय सहित सरकारी अधिकारियों से अनुमति हासिल कर ली है। हालांकि कृत्रिम बारिश करवाने के लिए विशिष्ट मौसम संबंधी स्थितियों की जरूरत होती है, जैसे पर्याप्त नमी वाले बादलों की उपस्थिति और उपयुक्त हवाएं। क्लाउड सीडिंग और कृत्रिम बारिश कराना अभी कोई सटीक विज्ञान नहीं है और ये देखना बाकी है कि क्या सर्दियों के शुरुआती महीनों में या बड़े पैमाने पर काम कर सकता है या नहीं। इसमें तेज हवा के लिए राष्ट्रीय राजधानी में विमान उड़ाने के लिए DGCA, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार विशेष सुरक्षा समूह सहित कई अनुमोदन प्राप्त करना भी शामिल है। स्पेशल डेस्क KNews India।